नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, बंगाल से आ रही है। बंगाल में चुनावों की मतगणना जारी है और ऐसे में बंगाल में बीजेपी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को 206 सीटें अभी तक मिल चुकी हैं। वहीं बंगाल में बीजेपी 200 से ज्यादा सीटों का नारा दे रही थी, वो 83 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। बंगाल में ममता की जीत की हैट्रिक एक बार फिर नजर आ रही है और बीजेपी 90 से ही नीचे सिमटी हुई नजर आ रही है। अब की बार 200 के पार बीजेपी जो नारा दे रही थी वो बीजेपी पर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, जबकि टीएमसी ने किसी चीज का नारा नहीं दिया था। 200 पार टीएमसी नजर आ रही है। 206 सीटें टीएमसी को अब तक मिल चुकी हैं। टीएमसी को 206 सीटें मिली हैं और बंगाल में बीजेपी जो है 90 के नीचे ही अभी तक सिमटी हुई है। ममता ने एक बार फिर अपनी सादगी का दम दिखा दिया है। चोट पर वोट लेकर जो ममता बनर्जी चल रही थी और एक्सीडेंट होने के बाद भी लगातार व्हीलचेयर पर ममता बनर्जी प्रचार कर रही थी, उसके बावजूद भी सादगी का दम ममता बनर्जी ने यहां पर दिखा दिया। और ममता बनर्जी ने खेला होबे जो नारा बार बार दिया जा रहा था बंगाल चुनाव में, वो खेला बीजेपी के साथ होता नजर आ रहा है। बीजेपी जो 200 पार और 2 मई लगातार कह रही थी कि 2 मई दी गई, कहीं ना कहीं बीजेपी पर ही नारा उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। 2 मई बीजेपी गई, अब ये होता नजर आ रहा है। बीजेपी का नारा लगातार था 200 पार, लेकिन वो नारा बीजेपी कहीं ना कहीं साबित नहीं कर पाई और लगातार जो बीजेपी दावा कर रही थी 200 से ज्यादा सीटें इस बार हम बंगाल में जीतेंगे, लेकिन 90 सीटें भी बीजेपी पार नहीं कर पाई। 90 से नीचे लगातार सिमटी हुई बीजेपी नजर आ रही है। साफ है यानी कि इस बार ममता बनर्जी तीसरी बार फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बनने वाली है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।